हरे कृष्णा. आज से हम भगवद गीता का पाठ्यक्रम वीडियो श्रृंखला में प्रारंभ कर रहे हैं, जिसमें गीता के प्रत्येक श्लोक पर संक्षिप्त चर्चा होगी. गीता के महात्म्य बताया गया है कि गीता सुगीता कर्तव्या किमन्य शास्त्र विस्तरे, कि गीता को ही अच्छी प्रकार से सुगीता करना चाहिए या उसका अच्छी प्रकार से अध्ययन करना चाहिए, अन्य शास्त्रों के विस्तार की क्या आवश्यकता है, या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मात्मनिसृता, क्योंकि ये गीता साक्षात भगवान कृष्ण के मुख कमल से निकली हुई है. तो चूँकि ये गीता का जो उपदेश है ये बहुत दिव्य है, अर्जुन और कृष्ण का संवाद है, तो इसके महात्म्य भगवान कृष्ण गीता के 18वें अध्याय के श्लोक संख्या 70 में कहते हैं, अध्येषते च यायदम धर्मम संवादम आवयो, कि जो हमारे इस धर्म में संवाद को, यानी कृष्ण और अर्जुन के संवाद को जो अध्ययन करेगा, तो ज्ञान यज्ञ तेन हम इष्टाश्यामिति मे मति, तो उसके द्वारा मैं ज्ञान यज्ञ के द्वारा पूजित होऊंगा. तो वास्तव में इस समय हम जो गीता का अध्ययन कर रहे हैं और ये पाठ्यक्रम जो प्रस्तुत कर रहे हैं, ये वास्तव में भगवान श्री कृष्ण की पूजा का एक कार्यक्रम है, जिसमें उनकी पूजा ज्ञान यज्ञ के द्वारा हो रही है. तो भगवद गीता के पहले अध्याय का जो पहला श्लोक है, इसमें कहा गया है, धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः माम्काः पाण्डवाश चैव किम अकुर्वत संजय. तो सबसे पहले शब्द आता है धृतराष्ट्र उवाच, कि धृतराष्ट्र ने कहा. तो धृतराष्ट्र का अर्थ क्या है? धृत और राष्ट्र, इन दो शब्दों से धृतराष्ट्र शब्द का निर्माण हुआ है. धृत का मतलब है पकड़ा हुआ और राष्ट्र का अर्थ है राज्य या शासन. तो धृतराष्ट्र का अर्थ हुआ ऐसा व्यक्ति जिसने राज्य शासन को पकड़ा हुआ है. अब किसी भी प्रकार से उसके हाथ में जो राज्य का शासन आ गया है, तो वो अन्यायपूर्वक उसको पकड़े हुए है, और जो न्यायपूर्वक जो पांडवों को देना चाहिए वो नहीं देना चाहता है. तो ऐसा जो धृतराष्ट्र है, तो उसने अब संजय से पूछा. तो संजय से उसने क्या पूछा? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, जो धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र है, यहाँ पर समवेता युत्सवः, जितने भी मेरे पुत्र हैं और पांडु के पुत्र हैं इकट्ठे हुए हैं. क्यों इकट्ठे हुए हैं? युयुत्सवः, यानी युद्ध की इच्छा करने से. माम्काः पाण्डवाश्च, तो ऐसे मेरे पुत्रों ने और पांडु के पुत्रों ने किम अकुर्वत, क्या किया हे संजय. तो संजय से धृतराष्ट्र पूछ रहा है. तो वास्तव में संजय से धृतराष्ट्र ने जिस समय ये बात पूछी है, तो उस समय महाभारत का 10वां दिन चल रहा है. 10वें दिन का युद्ध समाप्त हो चुका है. 10वें दिन महाभारत के 10वें दिन पर भीष्म जी की सरसैया हो गई, और उस समय संजय को अवसर प्राप्त हुआ कि धृतराष्ट्र को युद्ध का हाल सुनाए. संजय वास्तव में पांडवों और कौरवों के जो सेनाओं का युद्ध हो रहा था उसमें सम्मिलित थे, और कौरव पक्ष की सेना में एक सैनिक थे. तो संजय यद्यपि युद्ध में रत थे, लेकिन तो भी व्यास जी ने उनको दिव्य दृष्टि प्रदान की थी ताकि वे उस युद्ध का हाल बता सकें. संजय अगर युद्ध कर रहे हैं तो दूसरे योद्धाओं का जो युद्ध है उसका वर्णन नहीं कर सकते हैं जब तक उन्हें दिव्य दृष्टि प्राप्त ना हो. तो संजय को व्यास जी ने दिव्य दृष्टि प्रदान की थी, और ये भी वरदान दिया था कि संजय युद्ध में किसी प्रकार से भी घायल नहीं होंगे, ताकि वे धृतराष्ट्र को युद्ध का पूरा हाल सुना सकें. तो 10वें दिन जब संजय ने धृतराष्ट्र को सूचना दी कि भीष्म जी की सरसैया हो गई है, तो धृतराष्ट्र ने बहुत शोक किया, और अब 10 दिन का जो युद्ध हो चुका है उस संबंध में धृतराष्ट्र ने प्रारंभ से सुनने के लिए प्रश्न किया कि कुरुक्षेत्र में और धर्म क्षेत्र में मेरे पुत्रों ने और पांडवों के पुत्रों ने क्या किया. अब हरे कृष्णा.